आर्ट फेस्टिवल सईशा फाउंडेशन मुंबई निर्मित व प्रस्तुत संगीत शिवस्वराज्य गाथा आज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क आर्ट फेस्टिवल इथे सादर होत आहे। खूप आनंद आहे, उत्साह आहे, कारण दोन वर्ष पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये आपल्याला मोठे कार्यक्रम सादर करता आले नाहीत आणि दोन वर्षानंतर संपूर्ण टीम आमची इथे कार्यक्रम हा सादर करणार आहे। त्याच्यात गीत आहे, संगीत आहे, नृत्य आहे, शस्त्रास्त्र आहे। मुळात तो 350 वर्षांमागचा आधीचा काळ 17वा शतक जो आहे तो अख्खा शतक आम्ही या पूर्ण कार्यक्रमामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। अख्खा शिवशाही एरा जो आपण म्हणतो त्याला शिवशाहीतला काळ तो आम्ही इथे आणायचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि सईशा फाउंडेशन मुंबई गेली 12 वर्ष हा उपक्रम करते आहे। शिवरुद्राचे दिग्विजय तांडव या नावाने हा उपक्रम आधी आम्ही करायचो आणि आता त्याला संगीत शिवस्वराज्य गाथा हे नाव दिलेलं आहे। याच्यात 42 नवीन गाणी आहेत, अनिल नलावडे यांनी लिहिलेली आणि ती त्यांनीच स्वतः संगीतबद्ध केलेली आहेत। खूप उत्कृष्ट टीम आहे आमच्याकडे, गुणी गायक आहेत, केतन पटवर्धन आहे, दीप्ती आंबेकर, दत्तात्रय मेस्त्री ही सगळी कलाकारांची टीम आहे, गायकांची उत्कृष्ट दर्जाचे डान्सर्स आमच्याकडे आहेत। त्याचसोबत आम्ही पारंपरिक जे शस्त्र त्यावेळेला चालवले जायचे जसं दांडपट्टा आहे, ढाल तलवार आहे, हे सुद्धा आम्ही या कार्यक्रमात एकत्र आम्ही दाखवतो, एका संधपणाने दाखवतो। गाण्याचे विषय सगळे नवीन असल्याकारणाने लोकांना एक वेगळं काहीतरी पाहायला मिळतं, कारण तो शिवकाळ आम्ही गाण्यांतून उभा करतो, गोष्टी स्वरूपात ते अख्खं गीत तुमच्या समोर येतं, त्याचबरोबर मागे काही चलचित्र असतात तीही तुम्हाला पाहायला मिळतात। त्याच्यामुळे लहान मुलांपासून ते आबालवृद्धांपर्यंत सगळ्यांसाठी हा कार्यक्रम खरोखर बघण्यासारखा आहे, कारण या पूर्ण संपूर्ण संगीत शिवस्वराज्य गाथेचा मूळ उपक्रम याचा ध्यास जो आहे तो जागर शिवचरित्राचा ध्यास राष्ट्रनिर्मितीचा, शिवचरित्रातून राष्ट्रनिर्मिती व्हावी या ध्यासापायी आम्ही हा उपक्रम करतो आहे। आणि खरोखर आनंद आहे की आज 2 वर्षांच्या कालावधीनंतर आम्हाला हा उपक्रम इथे करायला मिळतो आहे। इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आप उसमें परफॉर्म करने वाले, कब से तैयारी कर रहे थे? तैयारी 12 साल से कर रहे हैं ऐसे बोलो, क्योंकि 12 साल में बहुत सारा चालेल मराठीत हिंदीमध्ये चालेल सो 12 साल से कर रहे हैं हम लोग, 12 साल से भी ज़्यादा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हर एक गीत को सजाया गया है इसमें। सो अनिल नलावड़े जी गीतों के बारे में बताएंगे कि हर एक गीत को सजाया गया है और नए नए विषय पे उसको इतिहास का अभ्यास करके उसको आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं उसको, वर्क इन प्रोग्रेस जैसे इसको बोल सकते हैं कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलते ही रह रहा है, चलते ही रह रहा है। तो तैयारी तो हर रोज़ होती है, हर रोज़ नए कुछ विषय कुछ संदर्भ मिलते हैं क्या, इसके लिए हम तैयारी करते रहते हैं। एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के कौन से व्यक्तित्व को अपने अंदर धारण किया है? सर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े व्यक्तिमत्व है। हम जैसे बोल सकते हैं उसका 0.1% भी अगर धारण कर सके तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। बहुत बड़े इंसान हैं एज ए छत्रपति शिवाजी महाराज, एज ए वॉरियर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप से भी छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तिमत्व बहुत बहुत ऊँचा है। तो उनका सबसे बड़ा गुणधर्म है कि लोगों को इकट्ठा करना, एक लोगों को जोड़ना, और ये सब जो जुड़ना है ये राष्ट्र निर्मिति के लिए है, स्वराज्य निर्मिति के लिए है, हिंदवी स्वराज्य निर्मिति के लिए। तो ये जुड़ने का जो काम छत्रपति शिवाजी महाराज का है, बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व का एक भाग है, वो हम इस शो के दौरान हमको अनुभव होता है, महसूस होता है। क्योंकि हाँ, यहाँ पे सिर्फ हमारे कलाकार ही नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग इस शो से जुड़ गए, वो एक ही संजीवनी की वजह से, वो छत्रपति शिवाजी महाराज। आपको इस शो में वीर बाजीप्रभु देशपांडे, मुरारबाजी देशपांडे, कोंडाजी फर्जंद, प्रतापराव गुजर, बहिरजी नाईक जाधव, कान्होजी जयदे, ऐसे बहुत सारे योद्धाओं के बारे में आपको कहानी आपको उनकी सुनने के लिए मिलेगी गीतों के माध्यम से। उसी के साथ उसका जो निवेदन का भाग है वो निवेदन हम आपको रिलेट करते हैं 350 साल पहले जो इतिहास हुआ था, जो रचा गया था, उस इतिहास को आज के हमारे रियल सुपर हीरोज़ जो है, जो हमारे भारतीय लश्कर में हैं, उनसे हम जोड़ के आपको वो कहानियाँ बताते हैं। तो उस समय जब बाजीप्रभु देशपांडे थे तो इस समय के बाजीप्रभु देशपांडे कौन है, ये भी हम आपको इस शो के दरम्यान बताते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है जी। सर एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम चल रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज आर्ट फेस्टिवल है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? ये
जो आर्ट फेस्टिवल है उसमें स्पेशली इस प्रोग्राम के जरिए पहली बार ये दादर शिवाजी पार्क और ये पूरे जो मध्य मुंबई है इसमें पहली बार ये इवेंट इतने बड़े पैमाने पे होने जा रहा है। संगीत शिव स्वराज गाता जिसे चालू होने के बाद 12 साल हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पूरा जीवन है और उनके जीवन में जो उनके वॉरियर्स थे या उनके साथ उन्होंने जो उनके दोस्त लोग थे उनके जो उन्होंने एक्चुअली स्वराज्य बनाने के लिए अपना पूरा बलिदान दिया था, साथ में उन्होंने एक जिस लगन से उन्होंने उस स्वराज्य को निर्माण किया था, आज अपने भारत में या कहीं भी एग्जाम्पल के तौर पे ये हम लोग संगीत शिव स्वराज्य गाथा जो हम लोग पेश करते हैं इसमें टोटल 42 सॉन्ग्स है और 42 सॉन्ग्स होने के बावजूद हर एक जो उसमें हम लोगों ने सॉन्ग्स लिया है जो शिवचरित्र में जो प्रसंग उस वक्त बीता था उसके ऊपर ये सॉन्ग आधारित है, उसका म्यूज़िक हम लोगों ने उसी तरह से ये किया है, पेशकश किया है और हमारी जो पूरी टीम है वो टीम जब इस सॉन्ग्स को या हमारे पूरे जितने महाराष्ट्र कल्चर के ऊपर जो आधारित है पूरे गाने हैं जो इसमें डांस है उसमें शस्त्र है सो पूरे पैमाने के साथ हम लोग जब ये शिवचरित्र प्रेजेंट करते हैं तो वही 350-400 साल पुराने जो हमारा पूरा गोल्डन हिस्ट्री है इंडिया का उसमें हमारा पूरा आज की जो जनरेशन है वो पूरी जनरेशन उसमें इतनी तरह से माहौल हो जाती है कि एक आदर्श राजा या एक स्वराज्य में एक राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से एक जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक आदर्श डाल के दिया था उसके ऊपर ही ये पूरा प्रोग्राम हमारा। सर ये भी जानना चाहेंगे कि हाँ। आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है अभी यहाँ सुनाया जाएगा तो कौन कौन से जो है सॉन्ग्स यहाँ होंगे या कौन हाँ। सी कहानियाँ शिवाजी महाराज से संबंधित यहाँ दिखाई जाएगी। अच्छा इसमें एक्चुअली संगीत शिव स्वराज गाता ये 42 सॉन्ग्स इसमें है मगर जब हम लोग जो पेशकश करते हैं उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था उस जन्म से लेके उनके बाद जैसे जैसे स्वराज्य बढ़ते गया या उन्होंने शपथ ली थी स्वराज्य तोरण उसके बाद उन्होंने एक एक जो मुगलशाही के जो एक एक किले उन्होंने हासिल किए और स्वराज्य बढ़ते गया उसके ऊपर सॉन्ग है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी वाइफ सई बाई उनका जो एक नाजुक उनका रिलेशन था जिसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है विथ इमोशंस। उसके बाद तानाजी मालुसरे सूर्यराव काकड़े उसके बाद कोंडाजी फरजन उसके बाद बाजी प्रभु देशपांडे प्रतापराव गुर्जर एक 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 जो इसमें टॉपिक है इस प्रोग्राम में वो नेशनल कैरेक्टर या अपना राष्ट्रीय चारित्र बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हर एक सॉन्ग्स के हम लोगों तक पहुँचाते हैं और आखिर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शिव राज्याभिषेक हुआ था दुर्गा दुर्गेश्वर रायगढ़ के वो राज्याभिषेक का सॉन्ग्स और वो होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का जो निधन हुआ था वो निधन जब हुआ था उसके ऊपर एक सॉन्ग और उसके बाद 27 ईयर्स मराठी लोगों ने जिस तरह से इस स्वराज्य को कोई भी मतलब कोई भी लीडर उस वक्त नहीं था, संभाजी महाराज भी उनके बेटे वो भी उस वक्त हमारे बीच नहीं रहे थे और उसके बाद कोई लीडर नहीं होने के बावजूद यहाँ की जनता ने जिस तरह से मुगलशाही को मतलब जी खदेड़ा था और ये स्वराज्य को उन्होंने बरकरार रखा था सो ये पूरा हिस्ट्री 42 सॉन्ग्स में हम लोगों ने इसमें दिखाने की कोशिश करते और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके साथ हमें गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि भालजी पेंडारकर प्रतिष्ठान ने जो हमें पुराने पिक्चर्स इसके लिए जो दिए सो उसको प्रॉपर हम लोगों ने एडिट करके ये सॉन्ग्स के बाद दिखाते हैं तो एक पूरा हिस्ट्री लोगों के सामने आ जाता है तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा जब शिवाजी महाराज ऐसी शिवाजी पार्क की पूरी परिक्रमा की मैंने पूरा देखा कि पूरा शिवाजी पार्क ना शिवमय हो गया है। अच्छा हर जगह जो है शिवाजी से रिलेटेड सारी चीज़ें कहीं चित्र है कहीं शिव भोजन हाँ। का वो किया गया है यहाँ। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बगल में ही शिव भवन है। अच्छा। तो यहाँ जैसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे कोई आने वाले हैं यहाँ कोई और भी आ रहे हैं?
नहीं वो तो लास्ट मोमेंट अभी क्या है कि जो पॉलिटिकल जो एजेंडा रहता है और जो प्रोटोकॉल रहता है प्रोटोकॉल से हिसाब से ही सब वो एंट्रिया जो रहता है, इसमें प्रोग्राम पेशकश होने जा रहा है वो सबसे बड़ी बात है और वो लास्ट मोमेंट में पता चलेगा एज़ पर प्रोटोकॉल कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सो हमें ये रखना है कि इनके साथ ही मतलब जो बड़े नेता यहाँ पर आने वाले हैं उसके साथ ही जो जनता यहाँ पर आ रही है और जो ये शिवराज्याभिषेक और पूरा संगीत शिव स्वराज्य गाता देखने के लिए आ रहे हैं तो एक बड़ा सा एक ऐसा जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं एक शिव सोहळा जो यहाँ पे प्रेजेंट होने जा रहा है वो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। सर यहाँ शिवमय हो चुका है जब ये पूरा वातावरण, हाँ आपको क्या लगता है कि कौन सा एक गुण एक चीज है इस आज के माहौल में शिवजी छत्रपति शिवाजी महाराज का इन लोग होना चाहिए? सबसे पहली बात तो नेशनल कैरेक्टर, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चरित्र हर एक इंसान के अंदर यदि वो मौजूद है तो तुम्हारा राष्ट्र अपने आप बड़ा होता है और वो राष्ट्र वही जनता जिसमें नेशनल कैरेक्टर है वही वो जनता अपने आप। इसलिए मैंने हम लोग बार बार कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजाराम महाराज तीनों नहीं रहने के बावजूद उस वक्त की जनता ने 25 ईयर्स इस स्वराज्य को बरकरार रखा, बढ़ाया और अपने आप ही उन्होंने लड़ा देके इस स्वराज्य को बड़ा किया। यही आज के वही जो नेशनल कैरेक्टर है वही आज के लोगों में यदि भारतीय हर एक भारतीय में रहेगा तो हमारा भारत और हिंदुस्तान बड़ा होने में कोई मायने नहीं रहा, महासत्ता बनने के लिए ज़रा भी देर नहीं लगेगी। ये शिवचरित्र का मराठी भाषा दिन एक सॉन्ग होता है लॉन्च, हाँ मराठी आज मराठी राजभाषा दिवस परवा मराठी राजभाषा दिवस आहे आणि त्यानिमित्तानं सईशा फाउंडेशन मुंबई ज्यांनी आतापर्यंत एक राष्ट्रीय निर्मितीचा ध्यास घेतला आहे आपला त्या उद्देशाने आम्ही आतापर्यंत हे शिवचरित्र केलं होतं, पण त्याचबरोबर आपल्या देशामध्ये ज्या काही परंपरा आहे संस्कृती आहे त्या सांभाळत आम्ही लँग्वेजलाही आणि भाषेलाही तेवढंच महत्त्व दिलेलं आहे आणि म्हणूनच त्याच्या पुढचं पाऊल म्हणून आम्ही मराठी राजभाषा दिवसानिमित्त एक नवीन गाणं याच्यासाठी आम्ही लिहिलं, कंपोज केलं, त्याला स्टुडिओमध्ये आम्ही रेकॉर्ड केलं, आमच्या संपूर्ण टीम ते गाणं गायलं आणि आता ते आम्ही परवा राजभाषा दिवस असला तरीसुद्धा आज आम्ही एवढ्या सांगा शिवमय वातावरणामध्ये ते आम्ही, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज हे सर्वप्रथम राजे आहेत ज्याने मराठी राजभाषेला प्रचंड महत्त्व दिलं, कारण त्यावेळी 350-400 वर्षापूर्वी आपल्या राजभाषेमध्ये उर्दू पारसी असे बरेचसे शब्द मिक्स झाले होते आणि त्यामुळे आपली भाषा कुठेतरी विसरत चालले होते, पण ह्या राजाने हा दूरदृष्टी राजाने त्या उद्देशाने त्यातून त्यांनी संपूर्ण ते शब्द काढून एक राज्य व्यवहार कोश नवीन निर्माण केला आणि आपल्या मराठी जनतेपर्यंत मराठी राजभाषा पोहोचवली। सो हे आजचं औचित्य साधूनच आम्ही ते नवीन गाणं लोकार्पण करत आहोत, त्याचं उद्घाटन करत आहोत आणि आम्हाला खरोखर आनंद वाटतो की ते गाणं सगळ्यांना नक्की आवडेल, तुम्ही सगळ्यांनी ते गाणं नक्की ऐकावं आणि त्या गाण्याचा विशेष आहे की अभिजात मराठी राजभाषा गीत हे त्या गाण्याचं आम्ही एक टायटल दिलेलं आहे जे तुम्हाला नक्की आवडेल। बेसिकली मैं 2011 से इस प्रोग्राम में शामिल हूँ, पहला शो जो हमारा शिवाजी मंदिर में होता 2011 साल, तब से लेके आज तक जैसे एक जैसे जैसे प्रोग्राम होते गए वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बढ़ता गया और कुछ नए गाने ऐड हुए, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पहले प्रोग्राम से इस एक ग्रुप का हिस्सा हूँ और मैं इसमें अलग अलग किस्म के गाने गाता हूँ, उसमें आज मैं बाजी प्रभु जी का बाजी प्रभु देशपांडे का गाना गाने वाला हूँ जिसमें उनके जो पूरा शौर्य है वो पूरे गाने में उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो गाना मैं गाना चाहेंगे। बहुत बड़ा नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, जब उनसे रिलेटेड कोई गाना गा रहा है तो किस प्रकार की ऊर्जा है आपके अंदर? ऊर्जा तो बहुत जी, हमारा मकसद ही ये है कि हम यहाँ पे ये प्रोग्राम गाने के लिए इसलिए आते हैं कि यहाँ से हर प्रोग्राम के बाद हम एक बहुत सारी ऊर्जा हमारे साथ लेके जाते हैं जो आगे हमारे जीवन में हमें बहुत उसका यूज़ होता है, बिकॉज अदरवाइज पॉपुलर गानों के प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं, वो हम एज अ सिंगर हम अलग अलग जगह पर परफॉर्म करते रहते हैं, बट यहाँ पर गाना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस इसलिए होता है बिकॉज ये सिर्फ गाने नहीं है, एक इंस्पिरेशन है अपने आप में, तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी ऊर्जा हम हमारे साथ लेके जाते हैं जो हमारे अदरवाइज लाइफ में हमें बहुत यूज़ होता है। जी मैम, आपसे गाना चाहेंगे कि गुनगुना दें? नमस्ते, पहले सर्वप्रथम मैं अनिल जी नलावड़े इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने इस प्रोग्राम में गाने के लिए मुझे सराहा और इस प्रोग्राम में संगीत शिव स्वराज्य गाथा में मैं सईबाई जो शिवाजी महाराज की पत्नी थी
तो उनका गाना पेश करती हूँ। शाइस्ता खान, सूर्यराव काकड़े, ऐसे गाने मैं गाती हूँ। सई बाई का गाना थोड़ा सा मैं गाना चाहती हूँ यहाँ पे। बालपणीची वधूची मुकली तुझा मागुनी आले दारी, माय जिजाचा पंखा खाली होती माया वात्सल्याची भातुकलीचा खेळा मधुनी, भातुकलीचा खेळा मधुनी फुलली प्रीती कळली नाही तुझ्या सोबती संसाराची स्वप्ने झाली मोठी माझी अशा प्रीतीच्या। हे कट होईल का? हे कट होईल ना? हाँ। वाले हैं। मैं ये जानना चाहूँगा किस वीर पुरुष के ऊपर से आप गाएंगे जो उनके सहयोगी। वैसे तानाजी मालू सरे, अफजल खान का जो वध हुआ उनके ऊपर जो गाना है वो मैं गाने वाला हूँ। फिर कोंडा जी फरजंद जो है उनके ऊपर गाना गाने वाला हूँ, मतलब उनके ऊपर जो गाना है वो गाने वाला हूँ। मतलब ऐसे और गोंधड़ है जो हमारे भवानी आई का जो महाराष्ट्र की संस्कृति है गोंधड़, वो भी हम मैं पेश करने वाला हूँ। सर, इस संस्था में कब से गा रहे हैं, कब से जुड़े हुए? मैं करीबन 2013 से लेके आज तक मैं ये कार्यक्रम में शामिल होते आया हूँ। मतलब मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये कार्यक्रम में गाने की, मतलब गाने के लिए मौका, गाने का मौका मिल रहा है, मेरा सौभाग्य है।